तमाम फैक्ट्रियों से निकलता। निकासी के अभाव में ये सालों से रीको की खाली पड़ी जमीन पर इकट्ठा होकर सड़ रहा है। इस कारण इतनी दुर्गंध आती है कि इसके आसपास से गुजरना मुश्किल हो गया है। पास ही स्थित गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्र और स्टाफ प्रशासन से इस संबंध में शिकायत करके थक चुके हैं, लेकिन कुछ नहीं हुआ। बार बार शिकायत आती रहती है स्टूडेंट से, और जब हवा इस तरफ से चलती है तो उसकी दुर्गंध भी आती है, और गर्मियों में जब खासकर जैसे मच्छर वगैरह होते हैं तो उससे समस्या होती है। इस पानी का से प्रॉपर सीवेज सिस्टम करके इसको आगे निकालना चाहिए, ये इसके लिए शायद उचित जगह नहीं है स्टोर करने के लिए। ये पानी इंसान के लिए कितना खतरनाक हो सकता है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसके पास लगे कीकड़ के पेड़ तक गल चुके हैं। इंडस्ट एरिया का जो खासतौर से जो पानी आता है उसमें रासायनिक सारा पानी होता है, क्योंकि जितने भी केमिकल अपन काम में लेते हैं फैक्ट्रीज में, उसका जो शेष पानी के साथ जो आते हैं उसके पानी खाने से वैसे तो इसका पूरा प्रॉपर ड्रेनेज नहीं होने से ये एक जहाँ जहाँ जितना देर खड़ा रहेगा उतने तक देर सॉइल के अंदर भूमि के अंदर अपना जितना इसका जमाव होता जाएगा। तो जो जो आप जानते हैं कि भी आज केमिकल मानव शरीर पे भी इतना दुष्प्रभाव पड़ता है, तो ये लगातार आप देख रहे हैं कि वर्षों से यहाँ पे ये पानी खड़ा है। प्रदूषण विभाग इसके लिए रीको को जिम्मेदार मानता है। ये तो एक तरह से रीको का फेलियर है कि जिन्होंने इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप करने से पहले ये प्लान नहीं किया कि पानी जनरेट होगा तो उसका डिस्पोजल कहाँ होगा और उसको साफ कैसे करेंगे। जब रीको से इस बारे में बात की गई तो उसका कहना है कि उसने इसके लिए कमेटी बना दी है जो इस पानी के ट्रीटमेंट प्लांट पर काम कर रही है। कोशिश तो हम ये कर रहे हैं कि सीटीपी का हमने ले रखा है प्रपोजल, तो सीटीपी जो है प्रोविजन भी ले रखा है, ट्रस्ट भी बनी हुई है, ट्रस्ट अभी रिसेंटली कॉन्स्टिट्यूटेड हो गई है, और उसकी ये लाइबिलिटीज है कि वो सीटीपी बना के इसको डिस्पोज करें। अभी आर ओ के वहाँ पर मीटिंग भी हुई है, आर ओ के वहाँ पर डिस्कशन भी हुआ है कि भाई इसके सीटीपी को जल्दी से जल्दी इम्प्लीमेंट किया जाए। यही काम पहले भी हो सकता था लेकिन अब तक महज कागजी कार्रवाई हो रही है, और इस दौरान 12 बीघा जमीन बंजर हो चुकी है। किसानों की मेहनत से उगाई फसलों पर दुष्प्रभाव पड़ रहा है वो अलग। के सिंह, सहारा न्यूज ब्यूरो, बीकानेर।